एक बात बताओ, अशोक दो महीने पहला छोड़ गया था मामने भाई, अशोक का नाम के मामी मर गई थी। ई वो के मूले का होगा आवगा, तो जो मेहरती सजा मिलन लग रही, सजा बराबर में मिलनी चाहिए उसने, बस मन न्याय मिलना चाहिए। तो आपको मतलब साथ में भी नहीं रहना चाहिए? देखो मेरा तो कोई मन को नहीं फिलहाल तो साथ में रहने का। हाँ अगर कोई मारा समाधान होता हो, सलूशन होता हो, अलग रहने तय भी तो वो सलूशन होना चाहिए बस। तो स्त्रियां तो आप बच्चों को गुजारा कैसे बताओगे? बच्चों की जिंदगी खराब हो रही है। देखो जिंदगी तो खराब हो रही है, उसके साथ में भी जिंदगी खराब हो रही है। वो साथ में था जो ही कौन सा इंती संभाल्या करता, वो कड़ियन संभाल्या करता, एक कप्ता मा करता 8:30 बजे 9 बजे उस टाइम पा करता, जिस टाइम पे मेरे बच्चे सो जा करते। लड़ाई मारी इसे कारण होया कर दी कि तू इतनी रात ने क्यों आवा है। तो नहीं कि आप मीडिया के सामने आप अपनी सफाई देने लग रहे हो, आपने भी कोई गलती करी हो जिसके कारण अशोक ने यो कदम उठाया? मैं ये बात बार बार बोलने लग रही हूँ, मैं मीडिया पे को नहीं आऊं थी जब मैं गलत होंगी तो ठीक है, और मेरे में कोई गलती है, किसी ने भी गलती लगा भाई, बैर का ने भी गलती लगा, मैं गलत हूँ 100% गलत हूँ, सोच लो तो मेरी कोई गलती काट दो, मीडिया का सेमी सबूत ले आओ, मैं शकल नहीं दिखाऊंगी। आज आपको एहसास हो रहा है ना 9 साल पहले जो आपने गलती करी थी? एहसास तो है जी। लास्ट में क्या देखो, राम ने सीता ने धनवा ने इनती भी लव मैरिज करी थी, करी थी नहीं, सीता ने राम कगड़ में माला कर ली थी, वनवास उसने भी मिला था, तो मन ने कई गलती कर दी जो ही राम सीता ने राम ने लव मैरिज कर रखी, पाछे इतिहास ठहर के देख लियो, बड़े बड़े ने लव मैरिज कर रखी। देखो वो तो भगवान उसके तो प्रबल ही तो कौन सकते, लेकिन यह तो परंपरा भाई सरूता ही चल कर रही, मन तो कल चलाई को नहीं। देखो जी वो तो एक वो परिवार का ही उनका आपस का मेल था, इस कर को ही दोनों की, लेकिन जिस समय आप आए उस टाइम पर आपके परिवार वाले ने दुख होया था। दुख होया था जी, मानू मैं बात। आप तो जिस तरीके का आप आए, लेकिन वो तो भगवान थे, आप जो बोल रहे हो नहीं, उनका तो एक अलग था कारण, जो शादी करने का कारण अलग के था तो लवे नहीं जी, वो परिवार वाले की सहमति थी उसमें। एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे आपने लव मैरिज करी है भाई, एक समाज का तरीका था या चीज गलत माना आपने जी, परिवार के तौर पर बड़े बूढ़े माने, कानून के तौर पर आप सही हो भाई, आपने जिसकी पसंद की आप शादी कर ली, लेकिन ईब बहुत सारी लड़कियां हैं जो आपकी देखने भी लग रही है और बहुत सारे लड़के भी देखने लग रहे हैं, जो एक आगे का टारगेट उनका लव मैरिज करना, क्योंकि आपका एक संदेश जो आपकी जिंदगी खराब हुई है, बच्चे की जिंदगी खराब होने की एक संदेश हो इसको उनकी लाइफ में सुधार सके, उन लड़कियां तक कैसे देखेंगे भाई? संदेश आए है पहला, एक और मेरी वीडियो देख लियो लव मैरिज करने पहला। इस हालात में आप फिर जियोगे किस तरह? काम करांगे, अकेले काम कर लो। देखो काम तो करना पड़ेगा, जिसकी मर्जी में भी करें काम, तो मतलब मेन बात ये है, मेन बात यह है कि मन न्याय मिलना चाहिए बस। आप फिर न्याय की स्त्री जाओ, उसके साथ में रहना चाहो या उसकी कानूनी तौर पर सजा दिलवाना चाहो, क्योंकि लीव रिलेशनशिप में कानूनी तौर पर रिलेशन में रहे। देखो एक बार तो भैया मैं शामी आओ ठीक है, फिर देखेंगे भाई आगे का क्या होगा की नहीं, जो इसका उसके मन में भी यह बात हो गई, मैं जाना चाहूँ दोबारा आपके दोहराना चाहूँ, अगर आपका दोहराना भी चाहो कोई नहीं, अगर अगर आप ये बात बोल रहे हो कि अशोक आपका शमी आवा है, आप समझौता करोगे या ना करोगे भाई, गारंटी ले लियो कोई है ना उसकी भाई, कल ना दोबारा यो ऐसा काम कौन करेगा, रह लूंगी मैं कौन, आप इतने मीडिया वाले हो, एक भी उसकी गारंटी लेता हूँ मैं, रह लूंगी। एक बोलो इसमें अब कमेंट में ये भी आओगे कि अब इसने गलत कर, किसने गलत कर, आपने गलत करे, मन के गलत करे, इस तरह बोल लगे के स्टार्टिंग में 9 साल पहले लव मैरिज करी है मां बाप की आत्मा, फिर मैं दर्श कहां का थोड़ा गलत करे, मैंने मेरे घर क्या गलत करे, ब्याह करे है, कोई कत्ल कौन करे, मतलब उन दर्श का ना पूछ लिए एक बार, रे पाले ना माफ कर दो, करो कौन कर दे, छोटी छोटी किन्या कर रेप कर दे, मैं क्या करके आऊं, किसी का गलत करके आऊं है, कर क्या कौन करके आंधी, फिर उन पूछ लिए एक बार, कमेंट करने वाले ने आपने एक बार भी यह बात नहीं सोची भाई, इस सिचुएशन में आप हो कि दोबारा से परिवार के साथ जाऊं, माँ बाप के साथ जाऊं, जो इसके एक लाइफ हो आपकी साइड में, यह बात नहीं सोची आपने भाई? परिवार वाले का गला बिक जाऊं, बच्चन छोड़ दो, बच्चन छोड़ कर जाए इसका, परिवार वाले का गला तो बच्चन तो मैं छोड़ नहीं सकती, बच्चन तो माँ की ममता हुआ मैं याद सुन सकती फिर कोई छोड़ दू, मैं तो मेरे गला ले रही हूँ, आप मतलब इनका गला गुजारा कर, मैं तो मेरे बच्चा ना रखने लग रही भाई, बच्चा गला मैं रहना चाहूँ ना, मैं मेरे बच्चे छोड़ना चाहती हूँ। हाँ मतलब लास्ट में ये बात है भाई, आपने शुरू में प्यार का इसमें जरा संप्रदाय का ना, आपने छोड़ के भी किया वो, हाँ
ठीक है, इतने वादे करे होगे, सारे काम करे होगे, लेकिन ये वह बात अकेलापन महसूस कर रहे हो, तो अब लास्ट में आप दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? मैं तो दर्शकों से यह बात कहना चाहूँ कि लव मैरिज ना करियो, अगर करो तो अपने घर क्या की राय लियो फिर करियो, नहीं कोई लव मैरिज ना करियो। एक बात मैं आपने पूछना चाहूंगा, जो लड़की आपका हस्बैंड के साथ में लीव रिलेशनशिप में रह रही है, वह भी आपकी बात सुने, जो लड़का परिवार ने छोड़ के और जो आप लड़की अपना परिवार जिसका तो छोड़ के गए थे, बच्चा ने मतलब अपनी माँ बाप ने छोड़ के, वह लड़की उसके गलर हो के वो उस लड़की का बस है सके, तो इसके वह भी आपके विचार सुन के पक्षे पीछे। देखो मेरे विचार मैंने पहले सुनाया रखे उससे, ठीक है मेरी बात हो रही फोन पर उसका गला, अगर वह इतने मेरे विचार सुनाया तो मैंने आज मीडिया पाना ही कौन था, दो भी ने पहला मारा सुलझा हो नहीं जबर। हेलो, आपसी परिवार में मतभेद हो उस लड़की के लिए आपकी बात हुई थी, आप पीछे जो मेरी शादी हो रही है मेरा परिवार है, लड़की लड़की गलत होनी, अच्छा। लड़की का भाई गल भी हुई है, अच्छा। लड़की का बाबू गल भी हुई है, अच्छा। ठीक है सारे गल बात हुई है जो ही मैं मीडिया पाई हूँ, और जो उनती मार मेरे ते ही उल्टा सीधा बोल रखा है उसी का कारण आई हूँ मैं मीडिया पे, भाई मेरा तो किमें कौन छोड़े थी, उनती भी उसी का साथ दिया लड़की का, हाँ घर वाले ने भी लड़की का साथ दिया, सहमत है, हाँ अशोक की पूरी, अशोक की पूरी सपोर्ट कर रहे हैं उसके घर के, हाँ मधु का घर के। चलो ठीक है जी।